जगदलपुर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा किसानों पर राजनीति कर उनका अपमान बंद करे और केंद्र की भाजपा सरकार किसान विरोधी कानूनों का हिसाब दे। राजीव शर्मा ने कहा कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्रों में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात की थी। भाजपा पहले उन वादों का हिसाब दे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष 15 सालों में छत्तीसगढ़ में हुई किसानों की आत्महत्या, किसानों से धोखाधड़ी और वादा खिलाफी का हिसाब दे, फिर आंदोलन करें। शर्मा ने बताया कि पीएम मोदी द्वारा 2019 के बजट में 5 एकड़ जमीन वाले हिस्से को 6,000 देने की घोषणा की गई थी। साल में 3 बार 2,000 की राशि देकर किसानों का सम्मान नहीं अपमान किया गया है। प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों के परिवार को प्रतिदिन 3 रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है, जो किसानों के लिए शर्मनाक स्थिति है। जो किसानों के प्रति घड़ियाली आंसू बहा रही है, कहीं ना कहीं ये किसानों का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार सबसे पहले किसानों के लिए जो 3 काले कानून लाए हैं उनका हिसाब दे। केंद्र सरकार ने चुनाव से पूर्व जो 2022 तक किसानों की आय दुगनी होने की बात कही थी उनका हिसाब जनता को दे, किसानों को दे। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू करने की बात कही थी, उसका जनता और किसानों को हिसाब दे। भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ राज्य में काबिज थी। आपने देखा है, जनता ने देखा है, जाना है, परखा है, महसूस किया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।